मुरादाबाद जनपद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी बदमाश पशु तस्कर हैं और अब तक दर्जनों पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अगवानपुर मोहल्ले में दबिश दी तो चोरी की योजना बनाते आधा दर्जन बदमाश पकड़े गए। बदमाशों के पास से एक ब्लैरो गाड़ी, एक कार, दो देसी बंदूक और तमंचे बरामद हुए। पकड़े गए सभी बदमाशों के खिलाफ पहले से मुरादाबाद और उत्तराखंड में दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने 30 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया। बदमाशों का यह गिरोह रात के वक्त ग्रामीण क्षेत्रों से पशु चुराकर उन्हें बेचता था। पुलिस गिरोह के फरार सदस्यों को तलाश करने की कोशिश कर रही है। ये कल दिनांक 16/11/17 को थाना सिविल लाइन के अगवानपुर चौकी क्षेत्र में गश्त के दौरान चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक गैंग पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ पर पता चला कि ये आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों को, भैंसों, गोवंशी जानवरों को चोरी करके आगे काटने के लिए बेच देते थे। इस तरह का अवैध कारोबार कर रहे थे। इनके ऊपर पूर्व में भी कई सारे मुकदमे जनपद के कई थानों में लिखे जा चुके हैं। इनके पास से एक बुलेरो पिकअप और एक गाड़ी सेंट्रो बरामद हुई है। इन सबके ऊपर कई कई मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से अवैध असल है और मतलब लगाने का सामान वगैरह सब कुछ। कितनी घटनाओं इन्होंने जो जानवरों की चोरी से संबंधित करीब 30 घटनाओं के बारे में कबूल किया है। इसके अलावा इनके ऊपर पूरे आपराधिक इतिहास भी है। सबके ऊपर कम से कम दर्जनों मुकदमे हैं। ये एक तरीके का सिंडिकेट है जो जानवरों को चोरी करके उनको आगे दूसरे गैंग जो जानवरों को काट करके आगे बेचते हैं उस तरीके का सिंडिकेट है जो जानवरों को चोरी करके आगे बेचता है। तो फर्दर जो लोग इन चोरी किए गए जानवरों को खरीद करके आगे बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा।